हेलो एंड वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ के मिल्स यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है संजीव कौशल और आज की वीडियो स्पेशल है बिकॉज मैं मेरे सारे गल्फ के रेजिडेंट को एक न्यूज़ देना चाहता हूँ, इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। ऐसे मेरे व्यूवर्स से हनान जो कि कतर में रहते थे, 5 टाइम रिफ्यूज़ल हैं वो, 5 बार उनका कंटिन्यूसली शेंगेन कंट्री से रिफ्यूज़ल आ गया। वहाँ पर अपनी फैमिली के साथ में कतर में वो काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं काफ़ी लंबे टाइम से, पाकिस्तानी नेशनल हैं तो उनके बच्चे हैं, वाइफ है, वो खुद है, तो 5 टाइम वो शेंगेन से रिफ्यूज़ थे। तो उन्होंने हमारा वीडियो वगैरह देखा, हमसे कॉन्टेक्ट किया, हमने उनका केस सक्सेसफुली है जो वो ले लिया। केस लेने के बाद में उनको फाइल बना के दिया एंड वीज़ा उनको सक्सेसफुली मिल गया फॉर द होल फैमिली टुगेदर। हमसे उन्होंने फर्स्ट टाइम ही सर्विसेज ली थी। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊँगा कि अगर आप गल्फ़ कंट्री के अंदर हो, यूएई को छोड़ के, आप कतर, बहरीन, सऊदी, मस्कट, ओमान, कहीं पे भी किसी भी गल्फ कंट्री के अंदर हो, आप इंडियन हो, पाकिस्तानी, नेपाली, बंगाली या किसी भी नेशनलिटी से बिलोंग करते हो, या फिर आप शेंगेन अप्लाई करना चाहते हो, तो आप हमसे सर्विसेज कैसे ले सकते हो? तो अभी हम पहले टेस्टिमोनियल जो कि हरनान भाई ने भेजा है हमको शूट करके आफ्टर वीज़ा सक्सेस स्टोरी के साथ में, बहुत ही खुश थे वो, तो उन्होंने अपना वीडियो रिकॉर्ड करके हमको भेजा है कि आप यूट्यूब चैनल पे चला सकते हो। पहले हम वो देखते हैं, वो अपनी पूरी डिटेल देंगे हमारे बारे में, आपकी वीज़ा सर्विसेज के बारे में, कितने पैसे उनसे लिए हमने कतर से ये सर्विसेज देने के लिए, और कैसे फाइल बनाया, क्या डॉक्यूमेंट, वो खुद अपनी जुबान में, अपनी लैंग्वेज में बोलेंगे। एंड आफ्टर दैट मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप हमारी सर्विसेज ले सकते हो, चाहे आप किसी भी गल्फ कंट्री के अंदर हो या आप इंडिया पाकिस्तान में। तो इस वीडियो के लास्ट में मैं बताऊँगा हाउ यू कैन टेक आर सर्विसेज फ्रॉम गल्फ रीजन, और आप इंडिया पाकिस्तान या किसी भी कंट्री से हो, कैसे आप हमको कॉन्टैक्ट करके हमसे आप अपनी फाइल बना सकते हो। मेरा नाम हनान है और मैं कतर में रहता हूँ, और ये वीडियो है शेंगेन वीज़े के रिलेटेड। 5 दफ़ा मेरे रिफ्यूज़ल्स आ चुके थे अलग अलग ईयर में, तो मैं बहुत ये डिसऑर्ड हो गया था। तो फिर फाइनली मुझे एक वीडियो मिला संजीव सर का के मिडलिस्ट के हवाले से, तो उनके मैंने जब रिव्यूज़ देखे तो मुझे बहुत अच्छा लगा मुझे, तो मैंने उनसे भी कॉन्टेक्ट किया। वह बहुत ही हेल्पफुल इंसान है और उन्होंने उनसे बात हुई डायरेक्टली, जितनी दफ़ा भी आप उनको फ़ोन करो तो वो आपका अवेलेबल होंगे हमेशा आपकी हेल्प के लिए। तो फिर उन्होंने बताया, मैंने कहा ऐसी ऐसी बात है कि मेरे 5 रिफ्यूज़ल्स आ चुके हैं, 2 मेरे फ्रांस के, 2 मेरे पुर्तगाल के और 1 नैदरलैंड्स का। तो उन्होंने कहा जी कि आप अपनी पूरे मुझे डॉक्यूमेंट्स जो मुझे सेंड करो कतर से। तो फिर मैंने उनको ईमेल किए सब, तो उन्होंने मुझसे चार्ज किया पर कैंडिडेट जो है ना वो 600-800 था। तो अगर आप फैमिली के साथ अप्लाई करते हो तो पर पासपोर्ट जो है, पर पासपोर्ट समझ लो कि वो 600 हो जाएगा। तो मेरे 4 थे, 2 बच्चे थे मेरे, एक वाइफ थी और एक मैं था, तो मैंने उनको 2400 इधर से सेंड किए। तो जैसे ही उनको रिसीव हुए उन्होंने मेरा प्रोसेस शुरू कर दिया। उन्होंने उस अच्छा उन 2400 में उन्होंने मुझसे मेरा क्या क्या काम किया, उन्होंने मेरी एप्लीकेशन खुद फिल की है, मेरा डे टू डे जो है ना प्लान वो खुद बनाया, आइटिनरी उन्होंने खुद बनाई है, टिकट और होटल बुकिंग खुद बनाई है, इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस भी उन्होंने खुद बनाई है। उसके बाद उन्होंने VFS में जो अपॉइंटमेंट ली है उसकी पेमेंट भी उन्होंने खुद की है, जो सर्विस चार्ज है। मैंने सिर्फ यहाँ पे जाके एम्बेसी फी दी है और वो भी मुझे मेरी और मेरे वाइफ के लिए देनी पड़ी, क्योंकि बच्चे जो थे वो 6 साल के कम उम्र के थे, उनकी फ्री थी। तो 660 दरम मैंने उनको कतर में दिए, 2400 दरम मैंने इनकी फीस दी है, इंक्लूडेड सब कुछ टोटल, मैंने अपनी तरफ से कुछ भी और एक्स्ट्रा पैसा नहीं दिया। तो जाके मैंने जब सबमिट किया तो सबमिट हो गया, तो उसके तकरीबन एग्जैक्ट 14 दिन के बाद मुझे मेल आई है कि आपका पासपोर्ट रेडी है। मैं जब गया हूँ पासपोर्ट लेने के लिए तो मुझे एनवेलप में पासपोर्ट मिला है, तो पासपोर्ट जब मैंने खोला तो उसके अंदर वीजे लगे हुए थे। तो आप ये देखें कि ये मेरे नए पासपोर्ट हैं, ये बच्चों के, तो ये बिल्कुल ब्लैंक पासपोर्ट है, इन कुछ भी नहीं है, इनमें भी कुछ नहीं है, खाली है, न्यू पासपोर्ट थे ना खाली। वैसे तो मैंने ट्रैवल बहुत किया हुआ है, यूरोप नहीं किया था, बाकी कंट्रीज में किया हुआ, लेकिन उसके बावजूद 5 रिफ्यूज़ल्स आए थे मुझे। तो ये सब है ठीक है। तो फिर उसके बाद मुझे चारों का वीज़ा मिला मुझे 1 हफ्ते का, 7 दिन मैं वहाँ पर रह सकता हूँ, क्योंकि जितने दिन मैंने लिखे थे उतने दिन का ही उन्होंने मुझे वीज़ा दिया। अगली दफ़ा शायद वो ज़्यादा दें पता नहीं, लेकिन एट द मोमेंट वो उन्होंने मुझे 7 दिन का ही चारों को वीज़ा मिल गया ठीक है, कतर से ही। ये 4 के 4 है। तो डॉक्यूमेंट्स जो मुझे लगाने पड़े वो मुझे लगाने पड़े कि
एक तो मैंने कंपनी का एनओसी लिया, उसके बाद मैं खुद पार्टनर था उसके अंदर। रिसेंटली मैंने पार्टनरशिप स्टार्ट की थी, 5% मैं पार्टनर भी था। और मेरा जो प्रोफेशन है वो मैनेजर का है। मैं जो काम करता हूँ, मेरी ऑस्कर ज्वेलरी एक शॉप है कतर में, ऑस्कर ज्वेलरी के हवाले से। तो बाकी यही बस ये चीज़ें मैंने लगाई हैं, एनओसी लिया और बैंक स्टेटमेंट 3 महीने की मैंने दी, जिसमें क्लोजिंग बैलेंस मेरा 41,000 रियाल था, जो कि ऑलमोस्ट 41,000 दरहम ही बनता है। तो बस ये सब चीज़ें मैंने लगा के और उनकी हेल्प से और अल्लाह के बाद उनकी ही हेल्प से तो मुझे और वीज़ा मिल गया। तो अब इंशाल्लाह हम 6 तारीख को यहाँ से ट्रैवल करेंगे 1 हफ्ते के लिए, फिर वापस आएंगे। फिर नेक्स्ट जब भी अप्लाई करना होगा हम इनको ही पकड़ेंगे, इनसे ही काम करवाएंगे। अब नेक्स्ट हमारा यूके या यूएस जो भी होगा इनसे ही होगा। थैंक यू वेरी मच। तो बहुत ही जल्दी मेरी वेबसाइट है जो इस कंपनी की फिर से रिलीज़ हो रही है। पहले हमारी वेबसाइट थी लेकिन वो ई कॉमर्स वाली नहीं थी, यानी कि आप ऑनलाइन उससे हमारी सर्विसेज को परचेज नहीं कर सकते थे। लेकिन अभी बहुत ही जल्दी विद इन वीक और 10 डेज फिर से अपॉइंटमेंट हो रही है उसी वेबसाइट में, www.kmillies.com से आप हमारी सर्विसेज हैं जो वो आप ले सकते हो। चाहे आप किसी भी कंट्री में हो, कोई भी वीज़ा आप हमसे अप्लाई करना चाहते हो, डायरेक्टली उस वीज़ा के अंदर अप्लाई नाउ की ऑप्शन आएगी, जिसको आप सेलेक्ट करके आप अपनी इन्फॉर्मेशन है जो फॉर्म में वहीं पे अपलोड करने के बाद में पेमेंट अपने डेबिट क्रेडिट कार्ड से डायरेक्टली कर सकते हो। ये है फर्स्ट ऑप्शन अगर आप गल्फ कंट्री के अंदर या इंडिया पाकिस्तान में हो। वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, बट इट विल बी पब्लिश्ड विद इन वीक और 10 डेज मैक्सिमम। तो ये तो होगी वेबसाइट की बात, जिसमें बहुत ही यूज़र फ्रेंडली आप अपने मोबाइल से, लैपटॉप से, डेस्कटॉप से, कहीं से भी हमारी वेबसाइट को एक्सेस करके उसमें आप परचेज़ कर सकते हो हमारी सर्विसेज ऑनलाइन, हमको बाई योर डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड पे कर सकते हो। लेकिन इट विल बी रिलीज्ड विद इन वीक और 10 डेज में भी। उससे पहले अगर आप सर्विसेज लेना चाहते हो तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स, चाहे वो प्रीवियस रिफ्यूज़ल के हैं या किसी भी चीज़ के हैं या किसी भी कंट्री के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो, हमको ईमेल कर सकते हो। ईमेल इस वीडियो के अंदर आपको फ्लैश हो रहा है, तो उस ईमेल के अंदर आप अपने डॉक्यूमेंट्स सेंड करने के बाद में बाय कॉल और व्हाट्सएप आप हमारे से कॉन्टैक्ट करो, हमसे हमारा अकाउंट नंबर मांगो, कंपनी का अकाउंट नंबर मांगो। उसमें अगर आप पैसे ट्रांसफ़र कर दोगे, आप किसी भी कंट्री में हो, हम आपकी उस कंट्री के लिए है जो फाइल रेडी करेंगे और आपको बाय ईमेल ही आपकी फ़ाइल है जो पूरी डिलीवर करवा देंगे। आपको जस्ट उस फाइल का प्रिंट आउट लेना है, जैसे इस भाई ने लिया था, सारे डॉक्यूमेंट्स हम रेडी करके देंगे। आपको उन सभी का प्रिंट आउट लेना है, फाइल आपकी ऑलरेडी बनी होगी आपकी नियरेस्ट VFS ग्लोबल में, जिधर हमने आपको अपॉइंटमेंट लेके दिया होगा, तो वहाँ पर आप जाके सबमिट करोगे विद ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, जिसमें आपका बैंक स्टेटमेंट, NOC और आपका ओरिजिनल पासपोर्ट होएगा। जो डॉक्यूमेंट आप हम आपको भेजेंगे वो पूरे प्रिंट करके साथ में जमा करना है। विद इन 15-20 डेज एम्बेसी है जो आपको रिजल्ट दे देगी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट आप कैसे सर्विसेज ले सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक करो, शेयर करो विद द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल, सो दैट ऑल पीपल दोज आर लिविंग इन गल्फ कंट्रीज एंड इंडिया पाकिस्तान में या इधर उधर नेपाल बांग्लादेश में रह रहे हैं, जाना चाहते हैं, हमारी सर्विसेज लेना चाहते हैं, तो उनके लिए हेल्प हो सके। थैंक यू टू वॉच दिस वीडियो।